हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में हम एसएससी सिलेक्शन फेज 9 के जो एग्ज़ाम हुए थे फैब 2022 में, उसके क्वांट के पेपर कर रहे हैं, जिसमें आपकी ये सेट नंबर 6 है, सेट नंबर 5 है। इससे पहले कि अगर आपने 4 सेट नहीं देखा तो पहले आप एक बार वो देख लें, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। 3 बॉटल्स ऑफ द सेम कैपेसिटी आर 30%, 40% एंड 25% फुल ऑफ ऑरेंज जूसेस रेस्पेक्टिवली। दे फिल्ड अप कम्प्लीटली बाई एडिंग एप्पल जूस। मतलब एक बॉटल है, 3 बॉटल है जिसकी सेम कैपेसिटी है, जिसमें एक में 30%, एक में 40%, एक में 25% ऑरेंज जूस फिल किया हुआ है। उसके बाद उसको एप्पल जूस से भर दिया जाता है कम्प्लीटली। द कंटेंट्स ऑफ 3 बॉटल्स आर एम्प्टीड इन टू अनदर वेसल। फिर वो तीनों बॉटल को एक दूसरे वेसल में खाली किया जाता है। देन वॉट इज द परसेंटेज ऑफ एप्पल जूस इन द मिक्सचर। एप्पल की क्वान्टिटी कितनी होगी उस मिक्सचर में। तो अगर हम सबकी कैपेसिटी अगर 10 लीटर मान लेते हैं, सारे बॉटल की 10 लीटर ईच, तो फर्स्ट बॉटल में 30% ऑरेंज जूस है, ऑरेंज एंड एप्पल। ऑरेंज 30% में 3 लीटर हो गए, इसमें 7 लीटर भरा जाता है एप्पल। सेकंड देखते हैं, सेकंड में 40% है ऑरेंज, मीन्स 4 लीटर है एप्पल, इसमें कितना हो जाएगा फिर 6 हो जाएगा। थर्ड में देखते हैं, इसमें 2.5 लीटर है, 25% है, मीन्स 2.5 लीटर, तो यहाँ हो जाएगा 7.5 लीटर। अब इसको दूसरे एक वेसल में एम्प्टी किया जाता है, तो उसमें एप्पल जूस की क्वांटिटी कितनी होगी वो पूछा गया परसेंटेज। तो एप्पल जूस कितने है टोटल, 7 × 7 = 14 × 6 = 20.5। 30 लीटर की कैपेसिटी में 20.5 हो गए एप्पल जूस। तो अब इसका परसेंटेज निकालना है, तो 20.5 डिवाइडेड बाई टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, 30 × 100। ऐसे ये कैंसिल, ये हो गया 205 डिवाइडेड बाई 3, इट मीन्स 66 और 7 मीन्स 2 मीन्स 68 एंड 1/3%, 68 एंड 1/3%, और ऑप्शन हो गया फोर्थ ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 एंड 30 आवर्स। एक पाइप ए एंड एक बी है, ये फिल करने में टाइम लेता है 20 घंटे और एक लेता है 30 घंटे। पाइप सी एक आउटलेट पाइप है। इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर इट टेक्स 4/3 आवर्स मोर देन द टाइम टेकन बाई ए एंड बी टुगेदर टू फिल द टैंक। तो इसका पहले दोनों का निकाल लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, ये 60, ए की इफिशियंसी हो जाएगी 3, बी की इफिशियंसी हो जाएगी 2। तो दोनों 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, 5 यूनिट काम कर रहे हैं, तो टोटल फिल करने में कितना टाइम लगेगा ए एंड बी को। टोटल टाइम टू फिल बाय ए एंड बी, तो ये हो जाएगा 60/5, मीन्स 12 आवर लेता है दोनों फिल करने के लिए। तो क्या कहा जा रहा है, थर्ड पाइप जो है वो सी है, ये एक आउटलेट पाइप है, ठीक है, ये एक आउटलेट पाइप है, अगर ये तीनों एक साथ ओपन होती है तो 4/3 आवर ज्यादा लगते हैं उसको फिल होने में, ठीक है। तो इसकी इफिशियंसी एक्स मान लेते हैं, और ये आउटलेट है, मीन्स कि इसकी इफिशियंसी माइनस में हो जाएगी। तो अब तीनों की इफिशियंसी होगी 5 - x। टाइम कितना ले रहा है, ऐसे तो नॉर्मली 2 आवर ले रहा है, लेकिन सी जब ओपन हो रहा है तो 12 + 4/3 हो जाएगा। तो 12 + 4/3 इतना मिलके कितना काम करना है इसको, टोटल 60। तो
तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, ए एंड बी आर ओपेंड टुगेदर फॉर 7 आवर्स, देन बोथ आर क्लोज एंड सी इज ओपेंड. नाउ सी कैन एम्प्टी द टैंक इन इन टाइम निकालना है, सी कितने टाइम में टैंक को एम्प्टी कर देगा. तो ये एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको नहीं अभी करते हैं, ये इसकी ज़रूरत नहीं है. 12 + 4/3 ये करते हैं तो बात है 36 40/3 आर, टोटल टाइम हो गया 40/3 आर. ठीक है, अब ए एंड बी भी 7 घंटे के लिए ओपन होते हैं, तो मीन्स की सबसे पहले 5 × 7 हो जाएगा मीन्स 35, एंड देन बोथ आर क्लोज एंड सी इज ओपेंड. उसके बाद फिर सी को ओपन किया जाता है. तो इस इक्वेशन से 5x 5 − x × 40/3 = 60, ये से ये कैंसिल, ये से 2 यहाँ 3, 5 − x = 9/2 मीन्स एक्स की वैल्यू आ रही है 1/2, मीन्स कि इसकी इफिशियंसी कितनी होगी 1/2, सी की इफिशियंसी -1/2. तो अब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, ये 7 घंटे के लिए ए एंड बी चलता है, तो मीन्स 35 इसने काम किया. उसके बाद सी ओपन किया जाता है तो 7, इसकी इफिशियंसी कितनी होगी 1/2, इसका टाइम टी मानते हैं और टोटल खाली करना कितना है 60. टोटल अच्छा टोटल खाली करना ना मीन्स कि 0 हो गया, कंप्लीटली खाली हो गया इतने टाइम में, मीन्स 1/2t = 35. तो टी कितना हो गया 70. टोटल टाइम जो लेगा वॉल्व सी एम्प्टी करने में वो कितना लेगा 70 आवर्स. आइए नेक्स्ट देखते हैं. 8 cos² θ − 2 cos θ − 3 = 0. तो यहाँ से हमें सबसे पहले cos theta हम निकालते हैं, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, माइनस बी मीन्स माइनस टू का पी ए प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स की 4 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 8 से 24, 24 × 4 = 96, और ये प्लस 96 / 2, इट मीन्स 2 + − ये 100, तो इसका अंडर रूट हो जाएगा 100 का 10 / 2. अभी हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं इसकी, मीन्स 2 + 10 / 2 मीन्स 12/6. अच्छा यहाँ 2a ना, मीन्स 2 × 8 मीन्स ये 16 हो जाएगा, 16 मीन्स 12/16, 4 से कैंसिल, 3/4 इसकी वैल्यू आ गई 3/4 cos थीटा के. तो एक ट्रायंगल हम बनाते हैं, cos थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, मीन्स ये 3 ये 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये 16 − 9 √7. अब हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है 3 tan थीटा, ये थीटा हो गया 3 tan θ + cosec θ + cot θ, 3 tan θ ये हो जाएगी √7/3 + cosec θ में sin θ का अपोजिट मीन्स 4/√7 + cot θ, tan θ का अपोजिट 3/√7. इसको जब कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, √7 नीचे, यहाँ 7 + 4 + 3, 7 × 4 = 11, 14 √7, ये इसको लिख सकते हैं 2 × √7 × √7 / √7, ये से ये कैंसिल, हमारा आंसर जाएगा 2√7 मीन्स फर्स्ट ऑप्शन. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मेल एंड फीमेल इन ऑफिस ए एंड बी इज 2:3। रेशियो ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन ए एंड बी इज 1:2। द रेशियो ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन ए टू द टोटल एम्प्लॉय इन ए इज 1:3। वट इज द रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉय इन ए एंड बी? अगर हम इसमें टोटल एम्प्लॉय टोटल एम्प्लॉय मानते हैं 500, ए एंड बी बोथ, तो ए में कितने हो गए एम्प्लॉय? एम्प्लॉय इन ए, ये 2:3 है, मीन्स की 200। एम्प्लॉय इन बी ये हो गए 300, यही होंगे, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, रेशियो फीमेल एम्प्लॉय इन ए एंड बी इज 1:2। फीमेल एम्प्लॉय यहाँ 200 है, तो फीमेल एम्प्लॉय अगर हम एक्स मानते हैं, ए का अगर फीमेल इन ए अगर हम एक्स मानते हैं, एक रेशियो ये दिया हुआ है 1:3, मीन्स एक्स बाई 200, ए में 200 है, तो ए बाई 200 फीमेल एम्प्लॉय इन ए डिवाइडेड बाई टोटल एम्प्लॉय इज इक्वल टू 1/3, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 200/3, मीन्स की फीमेल एम्प्लॉय ए में कितना है 200/3। अब फीमेल एम्प्लॉय इन ए एंड बी इज 1:2, तो ए में हमारे इतने हो गए फीमेल एम्प्लॉय, तो बी में कितने हो जाएंगे, इसका जस्ट डबल हो जाएगा, 1:2 है, तो फीमेल इन बी 400/3, ये ठीक है, बी में हो गए फीमेल इतने। अब मेल एम्प्लॉय पूछा जा रहा है ए एंड बी में, तो एम्प्लॉय इतने हैं, तो इसमें माइनस कर देंगे, तो 200 माइनस 200/3 डिवाइडेड बाई 300 माइनस 400/3, ये टोटल एम्प्लॉय होगा, ये फीमेल होगा, तो मेल का आ गया ये इज इक्वल टू, अभी हो गया 300 600 में से 200 माइनस मीन्स 400 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ 900 में से 400 माइनस मीन्स 500/3, इसे ये कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, 4/5 मीन्स 4:5, फर्स्ट ऑप्शन 4:5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रॉम्बस शेप्ड फील्ड व्हिच साइड इज इतना एंड डायगोनल इज इतना, तो इसका एक डायगोनल दिया हुआ है d1 इज इक्वल टू दिया हुआ 192, तो d2 निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, साइड का स्क्वायर मीन्स 146 का स्क्वायर माइनस d1 का हाफ का स्क्वायर मीन्स कि इसका हाफ, तो d1/2 कितना हो जाएगा 8 मीन्स 4 कम 96, तो ये 96 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर हम फॉर्मूले से करते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a+b (a-b) हो जाएगा, तो a माइनस बी अगर करते हैं तो 50 इंटू ए प्लस बी अगर करते हैं तो हो जाएगा ये 242, ये हो गया टोटल 121 00, तो मीन्स हमारा d2 कितना आ गया, उसका अंडर रूट करेंगे तो 11 × 10 मीन्स 110 मीटर। अब इसका एरिया पूछा जा रहा है, तो एरिया इज इक्वल टू होता है हमारे पास फॉर्मूला 1/2 × d1 × d2 का 1/2 × d1 हो गया 192 × d2 हो गया 110, ये से ये कैंसिल 96, अच्छा ये d2 नहीं हुआ ना, d2/2 हो गया ये बाई 2, तो d2 की जो वैल्यू होगी ना वो 220 मीटर हो गई, 220 हो जाएगा,
196 इंटू 22 जब ये करते हैं तो ये आता है 21 12 और एक जीरो, इतना मीटर स्क्वायर हो गया। अब इससे हमें हेक्टेयर में बदलना है, तो हेक्टेयर के लिए होता है, एक हेक्टेयर में होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो एरिया को अगर हेक्टेयर में बदलने के लिए इस मीटर स्क्वायर को 10,000 से डिवाइड करेंगे, मीन्स 21 12 0 डिवाइडेड बाई 10,000, मीन्स 2 2 4 4 डिजिट पे जीरो वो डेसिमल आ जाएगा, मीन्स 2.112 हेक्टेयर। इतना हेक्टेयर हो गया हमारा। ऑप्शन कौन सा हो गया? फोर्थ ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज ऑफ 27 नंबर इज इतना, एवरेज ऑफ फर्स्ट 14 इज इतना, लास्ट 14 इज इतना, इफ 14th नंबर इज इंक्लूडेड व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर। तो 27 इंटू 58 टोटल नंबर कितने हो गए? ये हो गए हमारे पास 566। अब फर्स्ट 14 का, फर्स्ट 14 हो गए 6, 14 इंटू 66.6 ये हो रहा है हमारे पास 932.4 सेकेंड 14, 14 इंटू 52.4 ये हो गया हमारे पास 733.6। अब टोटल कितना हो रहा है? टोटल हो रहा है हमारे पास 1666 और यहाँ है हमारे पास 1566। तो ये अगर इसमें से माइनस करते हैं तो 14 की वैल्यू आ जाएगी, मीन्स ये कितना हो रहा है 100, मीन्स की 14 की वैल्यू कितनी होगी 100। अब कहा जा रहा है 14 को हम एक्सक्लूड करते हैं, मीन्स 100 यहाँ से माइनस कर देते हैं, तो 14 66 इसका एवरेज निकालना है, मीन्स इसको डिवाइड कर देते हैं कितने 26 से। जब इसको 26 से डिवाइड करेंगे तो 5 26 130 16 66 ये 6 आ गया 156 10 100 ये अराउंड 56.4 के आसपास आएगा 56.4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेन पी क्यू रनिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक विद एक्स स्पीड x किलोमीटर पर आवर एंड 90 किलोमीटर पर आवर, द फास्टर ट्रेन पासेज अ मैन सिटिंग इन अ स्लोअर ट्रेन इन 30 सेकेंड्स, इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन क्यू इज 225 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो डिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड इन टू टाइम। तो अगर डिस्टेंस हम से इसकी लेते हैं क्यू की, फास्टर ट्रेन जो है वो स्लोअर ट्रेन को में बैठे एक आदमी को क्रॉस कर रही है 30 सेकेंड्स में, मींस की फास्टर ट्रेन हमारे पास कौन सी है? क्यू, क्योंकि 90 बड़ा है एक्स से, फास्टर ट्रेन क्यू हो गई। तो 225 इसको अगर किलोमीटर में बदलते हैं तो डिवाइडेड बाय 1000 स्पीड इंटू टाइम। अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है तो स्पीड माइनस हो जाएगा, मीन्स 90 माइनस एक्स और टाइम कितना ले रही है 30 सेकेंड। इसको पहले मिनट में कन्वर्ट करते हैं फिर आवर में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ से ये एक जीरो कैंसिल, यहाँ से ये टू टाइम्स, यहाँ से 25 से तो 9, ये 25 से 32, ठीक है। यहाँ से 2 से काटते हैं तो ये 16, 4 से काटते हैं तो 4 और ये 15, मीन्स 9/4 इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स डिवाइड बाई 15। तो 90 माइनस एक्स इंटू 4 ये 15 135, मीन्स 90 इंटू 4 माइनस 4x इज इक्वल टू 135,
4x को सेट ले जाते हैं, इक्वल टू 360 माइनस 135 बराबर 200, ये हो गया 225। 4 इतना 4x के बराबर हो गया, तो मीन्स x इज इक्वल टू हमारा हो गया 63। 63। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी बी इज इक्वल टू इतना, सी इज इतना, डी एंड डी आर साइड्स, डी एंड डी आर ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली सच दैट टी सी इज इक्वल टू 93। पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, ए बी एंड सी, बी इज इक्वल टू 87, सी इज इक्वल टू 60, डी एंड डी पॉइंट्स हैं ए एंड ए बी एंड ए सी पे, एक ये डी है, ये एक ई है डी ई, ठीक है, डी ई सी, डी ई सी मीन्स ये एंगल होगा 93, ठीक है। ये जब ये 87 है, ये 60 है, तो ये एंगल होगा 33, ये 33 होगा, और ये 93 है, तो ये होगा 87 डिग्री। जब ये 87 होगा तो ये एंगल होगा हमारा 60 डिग्री। अब क्या कहा जा रहा है, ये भी दिया हुआ है 14.4, और क्या दिया हुआ है, डीई बाई बी सी दिया हुआ, डीई बाई बी सी, डीई ये बाई दिस। तो हम ट्रायंगल ये लेते हैं पहले, इन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए ई डी के, ए ई डी के, क्योंकि एंगल सेम है 87 87, 60 60, और एक तो कॉमन है 33। तो यहां से हो जाएगा बी सी बाई डी ई इज इक्वल टू ए बी बाई ए इज इक्वल टू ए सी बाई ए डी। बी सी बाई डी ई दिया हुआ है 5, डी ई बाई बी सी दिया हुआ 5/9, तो इसका उल्टा कर देंगे तो 9/5 हो जाएगा। ए बी बाई ए सी, ए ई, ए बी हमें गिवन है, ए ई पूछा गया, ए बी 14.4, ए ई हो गया, एक्स मान लेते हैं इसको, तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे एक्स को तो 8 सेंटीमीटर आता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फिर फोर्थ ऑप्शन 8 सेंटीमीटर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें x माइनस 1/x की वैल्यू दी हुई है और इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। x का पावर 4 दिया हुआ है, अगर एक्स स्क्वायर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 4, एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स कॉमन लेते हैं तो एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस 1/x³ डिवाइडेड बाई, यहाँ से भी अगर एक्स कॉमन लेते हैं तो एक्स माइनस 1/x, जैसे ये कैंसिल, x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू निकालनी है हमें, तो x³ माइनस 1/x³ होता है हमारा p³ प्लस 3p, तो p हमारा √2, मीन्स की हो जाएगा 2, इसका क्यूब करेंगे तो 2√2 प्लस 3√2, तो ये हो गया हमारा 2√2 प्लस 3√2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1/x की वैल्यू है √2 से √2 कैंसिल, ये हो गया हमारा 5, 3 प्लस 2 5, थर्ड ऑप्शन। आइए नेक्स्ट, ये ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, टैन 25 कॉट 65, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट, इस टैन 25 को लिख सकते हैं कॉट 65, तो कॉट 65 कॉट 65 कॉट स्क्वायर 65 हो जाए, और माइनस कॉसेक स्क्वायर 65 दिया हुआ, प्लस
कॉट स्क्वायर 61, कॉट स्क्वायर 61 माइनस सेक 29 है, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक मीन्स कॉस सेक स्क्वायर 90 माइनस 29 हो जाए 61 माइनस कॉस सेक स्क्वायर 61 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 7 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री साइन 5 और साइन 85 साइन 85 हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5 डिग्री मीन्स की इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू 1 में हो जाएगी मिलके। तो मीन्स ऐसे कितने टर्म्स आएंगे, ऐसे हमारे पास आएंगे टोटल 20 टर्म्स, टोटल 20 टर्म्स आ जाएंगे। तो 20 हो जाएगा प्लस एक हमारा बच जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो साइन 45 होता है 1/√2 मीन्स 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो, और कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये होता है 1, तो ये मतलब -1 हो जाएगा, ये भी -1 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 1/2 मीन्स 41/2 मीन्स -2 डिवाइडेड बाय 41, ये 2 ऊपर चला जाएगा मीन्स -4/41, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इतना, इट इज सोल्ड फॉर इतना आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस, आफ्टर थ्री सक्सेसिव डिस्काउंट, वन ऑफ 10% एंड टू ऑफ एक्स परसेंट ईच, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक 1000 से 712 रुपये 89 पैसे पे वो सेल करता है तो वो डिस्काउंट कितना देता है, तो डिस्काउंट हो गया माइनस कर देंगे तो ये 11782 डिस्काउंट होगा इतने रुपए। अब 1000 इंटू फर्स्ट डिस्काउंट है 10% मीन्स 1 - 10/100, सेकेंड डिस्काउंट है 1 - x/100, थर्ड डिस्काउंट है 1 - x/100, फाइनली वो बेचता कितने पे, 712 रुपये 89 पैसे पे, ठीक है। तो ये 1000 इंटू ये से ये कैंसिल, 10 - 1 9/10 और ये हो जाएगा 1 - x/100 का होल स्क्वायर, ये और ये मिल के होल स्क्वायर हो जाएगा, ये से एक जीरो कैंसिल, इक्वल टू 712.89। तो 1 - x/100 का होल स्क्वायर इक्वल टू 712.89 डिवाइडेड बाई ये नीचे आ जाएगा 100 × 9, तो ये 1 - x/100 इसका स्क्वायर रूट यहाँ है तो इधर इस साइड लाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, तो मीन 712 का अंडर रूट होता है 26.57 के आसपास आएगा, और ये 10 × 3 मीन्स 26.7/30। अब यहाँ से इधर लेके चलते हैं इसको, 1 - x/100 इज इक्वल टू हो गया 26.7/30। तो इसको इस साइड लाते हैं मीन्स x/100 इज इक्वल टू, इसको इस साइड लाते हैं तो माइनस हो जाएगा 1 - 26.7 माइनस डिवाइड बाई 30 मीन्स ये 3.3 डिवाइडेड बाई 30 x/100 की वैल्यू, ये जीरो से जीरो कैंसिल, x इज इक्वल टू ये 3 से 3 काटिंग 1.1, 1.1 × 10 x की वैल्यू आ गई 11। तो x परसेंट डिस्काउंट है मीन्स 11% डिस्काउंट, तो हमारा आंसर होगा 11। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।